फीड द नीडी संस्था का आज स्थापना दिवस है और संस्था की तरफ से लगातार कोरोना काल में समाज हित के, समाज सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं। फिर चाहे प्रवासी श्रमिकों को खाना, दवाइयां मुहैया कराने की बात हो या फिर लॉकडाउन के दौरान शहर में आम जन जन तक राशन पहुंचाने की बात हो, संस्था ने बखूबी अपने जिम्मेदारी, अपना समाज सेवी का जो धर्म है वो निभाया है और आज इनका स्थापना दिवस है। बातचीत के लिए ट्रेजर सिद्धार्थ गुलाटी हमारे साथ मौजूद है। सर, आज स्थापना दिवस है, कितने साल हो गए हैं संस्था को बने हुए, किस तरह से कार्य किए जा रहे हैं? 2018 में हमने यह संस्था की शुरुआत की थी, तब हमने 5-7 दोस्तों ने मिलकर यह शुरुआत करी थी। शुरुआत में हम हर शनिवार भंडारा लगाते, पहले शनिवार, दूसरे शनिवार को भंडारा लगाते थे, बढ़ते बढ़ते हम 4 शनिवार तक भी पहुंचे। फिर कोरोना काल आया, कुछ मजबूरियां आई, फंड्स की दिक्कत हुई, फिर हमने दोबारा, बड़ा गर्व से कहना पड़ेगा कि आपके जो चैनल के संपादक हैं, जो ऑनर हैं कमलप्रीत जी, वो हमारे मीडिया सलाहकार भी हैं और इस संस्था के साथ जुड़े हुए भी हैं। उन्हीं की रहनुमाई में पिछले साल जब कोविड ख़त्म हुआ था, तो आपको पता है दिवंगत पत्रकार अजय गोस्वामी की याद में हम हर साल भंडारे का आयोजन करते हैं, तो कोरोना काल के बाद कमलप्रीत जी की ही करकमलों से, विज साहब से हमारे को दोबारा परमिशन भंडारा लगाने की प्राप्त हुई थी और उसके बाद निरंतर हम अपनी सेवा में लगे हुए हैं। इस बार भी कोरोना काल में जो भी दिक्कतें, मजबूरियां आई, हमने लोगों का बढ़ चढ़ कर साथ दिया। हमारे पास आई कोई भी कॉल हमने खाली नहीं जाने दी और आगे भी हमारी कोशिश यही रहेगी कि किसी भी ज़रूरतमंद को कहीं ज़रूरत पड़े तो हम उसके साथ खड़े हैं। आज मेयर शक्ति रानी शर्मा जी भी पहुँची थी, उनकी तरफ से क्या कुछ आशीर्वाद दिया गया? उनका आशीर्वाद हमारे से साथ शुरू से ही बना हुआ है, वो हमारे संस्था के मेंबर हैं, हमारे साथ जहाँ बन पड़ता है हमारे सहयोग करते हैं, तो उनके आशीर्वाद से हमें कभी भी कोई दिक्कत आई है तो हमने अगर उनको उस दिक्कत के लिए डिस्कस करा है तो उन्होंने हमारा हमेशा साथ दिया। तो बिल्कुल मेयर शक्ति रानी शर्मा का संस्था को पूर्ण सहयोग है, आज वो यहाँ पर पहुँची थी। लेकिन उससे पहले तस्वीरें हम आपको दिखा दें कि संस्था की तरफ से इसी तरह सिविल अस्पताल में जो लंगर है उसका आयोजन किया जाता है। लॉकडाउन के दौरान भी सेवा जो है संस्था ने निरंतर जारी रखी थी और आज मेयर शक्ति रानी शर्मा जब यहाँ पर पहुँची थी तो अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ की टीम ने उनसे बातचीत की है। क्या कुछ मेयर शक्ति रानी शर्मा ने संस्था के कार्यों को लेकर कहा है वो एक बार आपको सुनवा देते हैं। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं बच्चे और बहुत खुशी हो रही है देख के कि पिछले 3 वर्षों से लगातार ये फीड द नीडी की मुहिम चली आ रही है और इनको शुभकामनाएं हैं मेरी, ये बहुत लंबा दूर तक लेके जाएं। मेरी सारी दुआएं इनके साथ हैं, जिस तरह से सब निस्वार्थ लोग जुड़े हुए हैं इनके साथ, मैं उनको भी बधाई देती हूँ, वो बधाई के पात्र हैं कि बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और सारे के सारे यंग बच्चे हैं, ये देख के बहुत खुशी हो रही है कि जो नौजवान बच्चे हैं इनकी सोच बहुत सकारात्मक है और ये अच्छी राह पे चल रहे हैं, तो हम सबको भी इनका साथ देना चाहिए और इनका प्रोत्साहन बढ़ाना चाहिए। फीड द नीडी संस्था लगातार समाज हित में कार्य कर रही है और आज मेयर शक्ति रानी शर्मा ने भी स्थापना दिवस पर पहुंचकर उन्हें अपना आशीर्वाद दिया है, तो लगातार संस्था जो है वो कदम दर कदम लोगों की सहायता के लिए आगे बढ़ रही है और हमारी भी यही दुआ रहेगी और लोगों से अपील रहेगी कि अगर आपके आसपास किसी भी तरह का कोई ज़रूरतमंद है तो जितनी आपकी, हम ये कहें कि जितने आप समर्थ हैं उस हिसाब से हर किसी की मदद ज़रूर कीजिए। खबरों से जुड़ी अपडेट्स लगातार हम आपको देते रहेंगे, आप जुड़े रहिए हमारे साथ फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर, हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ की मोबाइल ऐप भी ज़रूर डाउनलोड करें।